हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बनाया है जिससे घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हुआ है और विशेष करके मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो जीवन की पूरी कमाई घर बनाने के लिए खर्च कर देता है उसके लिए प्रोटेक्शन मतलब उसकी पूरी एक जिंदगी के अरमानों के प्रोटेक्शन का दायरा बन जाता है। पहले बिल्डरों की मनमानी की वजह से वर्षों तक लोगों को अपने घरों के लिए इंतजार करना पड़ता था, फ्लैट के एरिया को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब इस नए कानून आरईआरए के बाद केवल रजिस्टर्ड डेवलपर्स ही सभी आवश्यक परमिशन प्राप्त करने के बाद घर की बुकिंग कर सकेंगे। सिर्फ एक पैम्फलेट छाप करके लोगों के रुपये नहीं बटोर सकते। इसके साथ ही सरकार ने बुकिंग अमाउंट की सीमा को भी 10% पर फिक्स कर दिया है, वरना पहले एडवांस में 25, 30, 40% तक 50% तक लोगों से पैसे हथिया लिए जाते थे। पहले यह होता था कि बिल्डर घरों की बुकिंग के बाद मिलने वाले जो पैसे होते थे उसको दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे। अब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि खरीदार से मिलने वाली 70% राशि एस्क्रो अकाउंट में डालनी होगी और ये राशि उसी प्रोजेक्ट पर ही खर्च की जाएगी।